पहले पासपोर्ट लगे हुए हैं चार, कोई गया ही नहीं जी वहां पे। दो दस्तखत हैं ये सुरजीत के, कोई गया नहीं आपके? नहीं जी कोई नहीं गया। लाइनमैन कहाँ पे आपका? लाइनमैन कहाँ? आपकी अभी ईमानदारी का पता लग जाएगा, किस चीज को मानते हो आप? पूछ लो जी, कोई नहीं गया हमारे पास। किस चीज को मानते हो? भगवान को मानते हो, किसको मानेंगे? चलो मैं लाइनमैन को बुला रहा हूँ। हाँ बुला लो, मंदिर में बांटूंगा दोनों को। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिजली का कनेक्शन तो बाद में मिलेगा, पहले तेरी तसल्ली करती हूँ। नहीं नहीं जी बिल्कुल, लाइनमैन को बुलाओ, बैठ जा बात। ऐसे थोड़ी होता है कि पंचायत में आके झूठ बोलोगे आप? पंचायत अधिकारी की हिम्मत है क्या झूठ लिख देगा आके एक्यूरेंसी में जब केस लग रहा? पिंडी कांपती है, अरे पिंडी कांपती है। वैसे बोल बिना माइक के बोल रहे, बिना माइक बोल दिया। तेरे लड़के के पास गए हैं? लड़के के पास? हाँ तो लड़के नहीं रह रहे जी, उनको बताया कोई। ये तो नोटिस दीवार पे लगा के आ रहे थे, वो भी लगा दिया उसने। उस लुवाई का दिमाग अपमाइंड है, वो नहीं लगा देती। नहीं एक नया फैसला तो सीख लिया, सरकार का फैसला नहीं बने क्यों? सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल भी चाहिए, बस भी चाहिए, सरकार का पैसा नहीं भरेंगे? हाँ जी आप बोलिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कंज्यूमर की हर डिमांड सरकार पूरी करेगी, सरकार की कुछ मर्जी चलने दो। दादागिरी छोड़ ली, बिहार बना देंगे ना बनाने का। दो तीन बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती है बाजार में, सरेआम तलवारें चलती हैं, लेकिन साइज वाले बाहर नहीं निकाल रहे आबादी से ठेके को। सर ये ठेके को शिफ्ट करने के लिए एप्लीकेशन आई थी इनकी। क्या नाम आपका? राम कुमार। इस ठेकेदार ने 21 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए सर, और हरियाणा के अंदर हमारा जिला फर्स्ट आया सर इस काम में, और सबसे हाईएस्ट बिडर में हमारी है, इसलिए सर ठेकेदार की भी सुनवाई करनी जरूरी है। तो ठेकेदार ने कहा सर प्लीज हमारी उसमें पॉलिसी में रिलैक्सेशन का प्रावधान है सर, वो हमने ईटी साहब को भेज रखा है, यदि वो नहीं मानेंगे सर तो इनकी शिफ्ट करवा देंगे सर। इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, बिजनेसमैन का सिर्फ बिजनेस पर्पज होता है सर, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस पर्पज होगा, लेकिन सरपंच के लिए अपना गांव ज्यादा अहमियत देता है। नहीं आपने सरपंच लोग अगली बार और बढ़ जाएगा, ये यदि आमदनी हो तो भी अपने आप छोड़ का बात जाएगा बीच में, व्यापारी को व्यापार करने दो, व्यापारी यदि इलीगल, सुनो अब तेरी सुन ली ना, सुन ली, व्यापारी इलीगल तरीके से काम करता है वो रोकना हमारी जिम्मेवारी है, परंतु सरकार के काम में व्यापारी को पार कर, किसी एक आदमी को उम्मीद करके वो हरियाणा का बजट बिगाड़ने का हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है। फिर हरियाणा 100 साल पहले भी रहा था और 100 साल बाद भी रहेगा। जब आप जाते हो सीएम साहब के पास, उस टाइम 10 करोड़ से कम ग्रांट नहीं मांगते काम के लिए, कभी ये सोचा कि पैसा कहां से आएगा? सर मांगते किसी अपने घर के लिए नहीं, गांव के विकास के लिए मांगते हैं। मैं गांव के विकास के लिए कर रहा हूँ, घर वास्ते तो पंचमी देवत ना। हाँ जी सर, दारू भी गांव वाले भी देना जी, अधिकार भी देना जाएगा। पंचमी दिन दे वहां का ले देख लिए? नहीं आपका तो पर्सनल कोई जवाब नहीं सर जी। क्या वर्ड यूज किया आपने? क्या जी हो आ रही हूँ, यदि सरपंच नहीं होगा आपको क्यों पैसे देंगे हम? आप तो पैसे क्यों देंगे हम? मैं ये कह रहा हूँ जब आप मांगते हो तो 10 करोड़ मांगते हो, उससे कम नहीं मांगते, पाएंगे कहाँ से? इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पंचायत की जमीन कब्जे हो रहे छुटवाने के नहीं, पंचायत की आमदन आप लोग बढ़ाने के नहीं, ठेके पे सोचोगे पूल कराना लोगों का जिम्मेदारा का, बस मैं कम से कम रेट में जमीन चली जाए, अरे आमदन कहीं से आएगी सरकार के पास? आएगी ना जब भी कुछ देंगे, ये लाइट भी जल्दी होगी, पंखे चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो खर्चा आएगा, इन अधिकारियों को भी तनखा है। आप एक तरफ नजरे हम देखो, दूसरे तरफ देखो। नहीं सर मैं आपको एक बात मैंने कह दी है कि एक महीने के अंदर अंदर इसको कह दिया, इसको जैसे मर्जी शिफ्ट करो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, हर बात का इशू नहीं बनाना। नहीं धन्यवाद सर आपको, धन्यवाद। रिपोर्ट में देखिए चाहते हैं रिपोर्ट में। आप ये बताएं, यदि सरपंच ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो आप एज बीडीओ आपका रोल क्या है?
यदि आपका रोल जो है ना उसको एडमिनिस्टर करना है तो इनको तनख्वाह सबसे पहले दो। क्या आप ओवर रूल नहीं कर सकते क्या सरपंच को? उसको वार्निंग की जरूरत है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। क्या आपकी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि आप उसको ओवर रूल करके इनकी सैलरी निकाल सकते हैं? उसको सस्पेंशन के लिए लिख सकते हैं, सस्पेंड करके फिर अपने पास बाबराज भी बनते थे। सस्पेंड कर दो, सस्पेंड करके तो फिर नॉमिनेट सरपंच कार्यवाह सरपंच समय से सस्पेंड है। चोर आदमी को पावर साहब के पास को जाइए आप तनख्वाह बाद में जुगाड़ करूंगा, पहला सरपंच बन दो मैं ठीक है। एक हफ्ते में दो तनख्वाह सरपंच क्या हो गया? गरीबाजी पेट पर लात मारेगा ऐसे कैसे सरपंच कर लेगा? डेमोक्रेसी सरपंच के लिए लोगों के लिए नहीं है क्या?